माखन खाऊंगा लेकिन मैया चंद्र खिलौना लूंगा। आज मैया ने कन्हैया को चंद्र खिलौना दिया। कैसे दिया? एक थाली में पानी भर दिया और चंद्रमा दिखने लगा उस जल में। तो कन्हैया ने सोचा चंद्रमा है, और जैसे कन्हैया ने उनमें हाथों को मारा, अपनी हथेली को मारा, तो भाई पानी हिलने लगा। जब पानी हिलने लगा तो भाई चंद्र खिलौना चला गया। तो कन्हैया फिर रूठ गए मैया से। कन्हैया फिर कहते हैं मैया चंद्र खिलौना की बात कर रही थी तुम, और ये भी कहा था मैया तुमने कहा था कि बटवासी बहू मंगाए दूंगी, तो बहू मंगा दो मैया। मैया ने कहा था मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगी कन्हैया, तुम गायों को ले जाओ चराने के लिए। अच्छा गायों को कन्हैया क्यों ले गए चराने के लिए? कन्हैया ने बाल लीलाएं करते करते गायों को भी चराया, और कन्हैया ने उन गायों को जब ले जाते थे गाय चराने के लिए तो सब गाय एकत्रित होकर कन्हैया के पास जाते थे। दूसरे दिन कन्हैया आए और गायों को बांध दिया और मैया से कहने लगे मैया मेरा विवाह करा दो, मैया मेरा विवाह होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। छोटे से बालक को ये लगता है कि मेरा विवाह हो जाए, जब समझ नहीं होती उसको, तब आप उससे कहो तुम्हारा विवाह करा दें इस छोरी से, तो वो कहता ठीक है मैया करा दूँ मेरा विवाह। आज मैया ने कहा कन्हैया से, कन्हैया मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगी, जो ब्रज की छोरी है वो राधा रानी है, मैं तुम्हारा उससे विवाह करा दूंगी। आज कन्हैया रूठ गए। आज कन्हैया गायों को नहीं ले जाती हैं और मैया से कहते हैं मैया मेरा विवाह करा दीजिए। तो देखिए मैया कन्हैया को कैसे समझा रही हैं, कन्हैया मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगी। कन्हैया प्रसन्न होने लगे और क्या कह रही मैया, और कन्हैया मैया से कह रहे हैं हे मैया मेरा विवाह करा दीजिए जल्दी, तब मैं गायों को छोड़ूंगा, गायों को लेकर जाऊंगा, तभी माखन मिश्री खाऊंगा। तो क्या कहते हैं कन्हैया, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी लोग तालियों के साथ जय हो। गोरी से चहो ब्रज की छोरी से चहो मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह कराऊं तेरी गैया नहीं चराऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी